हमारे देश की 1.25 अरब से ज्यादा की जनसंख्या के खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान दिन रात एक कर देते हैं और 2016-17 में हमारे देश में अनाज का कुल उत्पादन हुआ 27.5 करोड़ टन, जो 2017-18 के लिए अनुमानित है लगभग 28 करोड़ टन। लेकिन इतनी जो उपज है इसके पीछे किसानों को जिस तरह से लगना पड़ता है उसमें बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं कीट और रोग, और इनसे निजात पाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यानी कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है किसानों को। और कीटनाशक के निर्माण में सरकारी के साथ साथ कई निजी कंपनियां, ज्यादातर कहें कि निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी जिसमें अपना रोल निभा रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, जिसके MD राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं इस वक्त। राजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के डबल इनकम की बात कही, उस डबल इनकम के लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से प्रयास जारी है, इंसेक्टिसाइड्स के फील्ड में क्या कुछ हो रहा है? एग्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है ये भी अपना काम कर रही है, क्योंकि आज ना ही सिर्फ किसान की जो इनकम है उसको डबल करने की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की भी बात हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक कंपनियों का दिमाग इस तरफ था कि बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए और इंपोर्ट करके फाइनल प्रोसेसिंग करके इंडिया में प्रोडक्ट दे दिया जाए, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था हमारे देश में। लेकिन इन दिनों में विजन आया कि इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेजेज हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान के पास उत्पाद थोड़े महंगे जा रहे हैं। उस बात को कॉम्बैट करने के लिए आज सब कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाने का सोच रही हैं। जो छिड़काव है पेस्टिसाइड्स का, उसको लेकर ये कहा जाता है कि 1 से लेकर 10% तक ही सही जगह वो पहुंच पाता है, यानी उसका जो उद्देश्य है, जो एम है, वो पूरा हो पाता है। बाकी 90% हिस्सा उसका पर्यावरण को प्रदूषित करता है या फिर बेकार जाता है। तो इनको लेकर किस तरह की अवेयरनेस की बातें सामने आ रही हैं, कंपनियां क्या कर रही हैं, और कॉस्ट रिडक्शन भी इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मुद्दा है। पिछले 10-12 साल में हमने करीबन 20 टेक्निकल डेवलप किए हैं, उनको मार्केट में डाला है, और मैं कह सकता हूँ कि ये सभी टेक्निकल या इसके अलावा जो और भी टेक्निकल हैं जो हिंदुस्तान की कंपनियां बना रही हैं, वो आज बहुत कॉम्पिटिटिव दाम पे है। यानी अगर मैं बोलूं कि दुनिया में हमारे देश के किसान को सबसे सस्ता मिल रहा है तो गलत नहीं होगा, उसको अवेलेबल हो रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी हमारे किसान को रीजनेबल दाम पर मिल रही है। राजेश जी, आपने जो बात की इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि आखिर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किसानों को आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि किसानों की मौत के भी आंकड़े सामने आते हैं या इससे बीमार होने के भी आंकड़े सामने आते हैं। जो नए जमाने की दवाएं आ रही हैं अभी, चाहे वो ऑफ पेटेंट है या जो नई टेक्नोलॉजीज आप कलेबरेशन करके या जो भी ला रहे हैं, इनका डोसेज बहुत लो है, इनकी एफिकेसी टारगेट विंडो में है। तो पर्टिकुलरली इनका जो आप बोल सकते हैं कि इनकी जो विष क्षमता है वो भी रिलेटिवली जो जेनरिक प्रोडक्ट पहले इन्वेंट हुए उनसे कम है। एक और अहम सवाल है इसमें कि ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे कीट हैं जिन्होंने रेसिस्टेंस विकसित कर लिया है, यानी दवाओं का अब उन पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दवाएं इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तो राजेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसके लिए कंपनीज क्या कर रही है? आप किसी भी स्पीशीज को एनवायरमेंट से इरेडिकेट नहीं कर सकते, आप उसकी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। क्या होता है कि जब किसी कीड़े के ऊपर कोई दवा मारी जाती है और वो मर जाता है, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है उससे और ज़्यादा पावरफुल आती है, तो रेसिस्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे उस पॉपुलेशन में बढ़ता जाता है। तो उसको मैनेज किया जाता है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आसान शब्दों में बोलूँ कि अगर आपने जल्दी इस्तेमाल कर लिया, यानी पड़ोसी के बच्चे को बुखार है, आपके बच्चे को बुखार नहीं, आप दवा खिलाना नहीं शुरू करेंगे, तो देखा देखिए अगर जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल है। अगर कम डोज में इस्तेमाल करेंगे, रिकमेंडेड डोज सपोज 100 ml है, आप 50 ml डालते हैं, तो 50 ml डाल के आप कीड़े की रेजिस्टेंस क्षमता को बढ़ा देते हैं। राजेश जी, ये किसानों की जागरूकता की बात आपने बड़ी अच्छी कही, और इसमें ये भी शामिल है कि किसान अब धीरे धीरे पेस्टिसाइड के मामले में केमिकल के साथ साथ, या कहें केमिकल को छोड़कर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का क्या फ्यूचर है, और इसको लेकर कंपनियां और खेती से जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं क्या भविष्य देख रही हैं? आज हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिलाकर, जिस तरीके से मैं च्यवनप्राश खाके या थोड़ी एक्सरसाइज करके अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, और जब कोई तकलीफ आती है तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो क्यों ना किसान भी ऑर्गेनिक मेजर्स ले सके
और ऑर्गेनिक मेजर्स का इस्तेमाल करें जब उसको लगता है कि ETL लेवल पर कोई अटैक आ गया। जैसे कि आप कई बार मैं देखता हूं कि आपने प्रोग्राम में जो कृषि दर्पण कार्यक्रम आता है आपके जी हिंदुस्तान पर, उसमें भी किसानों को समझाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और हम चाहेंगे राजेश अग्रवाल जी कि आप अंत में हमारे दर्शकों के लिए, किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहें। देखिए, मैं यही कहूँगा कि एक जागरूक स्टेप लें, जो भी लेते हैं समझ कर काम करें। खेती हिंदुस्तान में बढ़ने वाली है कैसे भी, क्योंकि हमारा फूड रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। और ज़्यादा साइंटिफिक होगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आज हमारा भी विजन है कि नए नए बच्चे खेती के अंदर आएँ, इसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृषि दर्पण और हिंदुस्तान से बातचीत जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।